Hey guys, welcome back to my channel. This is Aditi. Hope you all are doing really great. आज के वीडियो में क्रिएट करने वाली हूँ दिस लुक. दिस इज अ लुक फॉर न्यूली मैरिड गर्ल्स. अगर आपकी नई नई शादी हुई है, आने वाला फेस्टिव टाइम, अगर आपका फर्स्ट फेस्टिवल होने वाला है तो आप ये वाला लुक क्रिएट कर सकते हैं. ऑल्सो अगर आपकी शादी होने वाली है इस साल तो भी आप ये वाला लुक ट्राई आउट कर सकते हैं. बहुत ही सिंपल लुक होने वाला है. बहुत ही मिनिमम प्रोडक्ट के साथ हम ये वाला लुक क्रिएट करने वाले हैं. आगे बढ़ने के पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले हम अपने स्किन को मॉइस्चराइज करेंगे. मॉइस्चराइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने क्लीन करने के बाद फेस को मॉइस्चराइज कर लिया था. अब मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करूंगी. स्किन प्रेप इज वेरी इंपॉर्टेंट. किसी भी मेकअप को स्टार्ट करने के पहले आपको स्किन की प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है. सो दिस इज अ लिप बाम विच आई एम यूजिंग. दिस इज अ निविया का ओरिजिनल लिप बाम. आएंगे बेस पे. तो अब इफ़ यू आर अ न्यूली मैरिड गर्ल तो आपको अपना बेस बहुत ही अच्छा रखना है. लाइक अगर आपके स्किन में डिस्कलरेशन है और पिगमेंटेशन है तो आप ऐसा फाउंडेशन प्रेफर करें जो आपको थोड़ा हाई कवरेज दे. अगर आपकी स्किन में ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एरियाज नहीं है तो आप मीडियम टू शेयर कवरेज फाउंडेशन ले सकते हैं. मैं एक टिप आपको दूंगी कि अपने फाउंडेशन में हल्का सा आप हाइलाइटर, लिक्विड हाइलाइटर मिक्स कर लें. बहुत ही अच्छा ग्लो देता है फेस पे. और न्यूली मैरिड गर्ल्स को तो ग्लो बहुत चाहिए होता है अपने फेस पे. सो आई एम यूजिंग दिस मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन. और मेरी ऑयली स्किन है तो मेरे ऊपर बहुत अच्छा वर्क करता है. और ऑल्सो आई डोंट लाइक मच बेस. तो बहुत ज़्यादा बेस मुझे नहीं पसंद है. मैं इसमें मेबेलिन का ही हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ. मैं यहाँ पे पाउडर हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ बिकॉज मेरी स्किन जो ऑयली है तो मुझे लिक्विड हाइलाइटर नहीं अच्छे लगते हैं और वो ऑयलीनेस क्रिएट करते हैं मेरे फेस पे. तो मैंने यहाँ पे हल्का सा हाइलाइटर अपने फिंगर पे ले लिया है और ये मेरा फाउंडेशन रेडी है. अब मैं इसको अपने ऑल ओवर माय फेस में अच्छे से अप्लाई कर लूँगी. बहुत ही ग्लोई, बहुत ही डूई लुक आता है, एकदम नेचुरल सा लुक आता है. तो आप ये वाला हैक ज़रूर ट्राई करिएगा. सबसे पहले आप अपने फाउंडेशन को हैंड्स की हेल्प से थोड़ा सा ब्लेंड कर दीजिए, हल्का सा. और अब मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैब डैब करूँगी. ये देखिए एक नेचुरल सा ग्लो दिख रहा है ऑटोमेटिकली. सो पर इसी चीज़ की मैं बात कर रही थी. आपको ऊपर से हाइलाइटर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर आप अपने फाउंडेशन में ही हल्का सा हाइलाइटर मिक्स कर लेते हैं. तो ज़रूर ट्राई करिएगा ये वाला हैक, यू विल लव इट. जस्ट लुक एट दिस ग्लो. ऑल्सो फाउंडेशन आपके स्किन टोन से मैच करना चाहिए. आप एक भी शेड लाइट मत लेने की कोशिश करिएगा बिकॉज फिर वो डिसकलरेशन शो होता है बिटवीन योर नेक एंड योर फेस. ऑल्सो आप उन्हें नेक एरिया में भी अच्छे से फाउंडेशन कवर कर लें. चीज़ का आपको और ध्यान देना है कि आपको यहाँ अच्छे से ब्लेंड करना है अपना सारा प्रोडक्ट, जिससे कि इस एरिया पे बिल्कुल भी प्रोडक्ट दिखे ना कि आपने कुछ भी लगाया हुआ है. अब आएंगे कंसीलर पे. तो आप अपने स्किन टोन से एक शेड लाइट कंसीलर प्रेफर करिएगा बिकॉज हमें अपने अंडर आई एरिया को हाईलाइट करना है. तो मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बता रही हूँ. ये कंसीलर बेका का है और ये मेरे स्किन टोन से एक शेड लाइट है. अब मैं इसे अपने हाई पॉइंट्स पे हाईलाइट करने के लिए यूज़ करूँगी. क्रीम बेस्ड हाईलाइटर है ये. तो मैंने इसे जस्ट जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइटिंग इफेक्ट चाहिए वहाँ वहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ. अब मैं इसे ब्लेंड करूंगी ब्यूटी ब्लेंडर के ऑपोजिट डायरेक्शन से. मैंने ब्यूटी ब्लेंडर ऑलरेडी वेट करके स्क्वीज आउट कर लिया था. मैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर को प्रेस कर रही हूँ तो डैप डैप पोजीशन में कर रही हूँ. आप इसे ऐसे करके रगड़िएगा नहीं बिल्कुल. आई बिलीव कि न्यूली वेड का जो मेकअप लुक होना चाहिए बहुत ही ग्लोइंग, बहुत ही डूई लुक होना चाहिए. तो मैं एक ऐसा ही लुक क्रिएट कर रही हूँ. आप को मैं कंसीलर के कुछ ऑप्शंस दे दूंगी क्रीम कंसीलर के. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेकआउट कर सकते हैं. मैं अफोर्डेबल कंसीलर्स के भी ऑप्शंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी तो आप प्लीज़ उसे चेकआउट कर लीजिएगा.
ये कंसीलर मैंने अपने शादी के टाइम पे लिया था, तब से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। बट मैं इसे तभी यूज़ करती हूँ जब मुझे एक हाइलाइटिंग इफेक्ट चाहिए होता है विदाउट हाइलाइटर। मैं थोड़ा सा और कंसीलर लेके अपने फेस के हाई पॉइंट्स को भी कंसील करूँगी इसी टाइम पे। लाइक आई एम यूजिंग माई फेस हाई पॉइंट्स। ऑलरेडी हमने हाइलाइटर यूज़ किया है अपने फाउंडेशन में, अब हम एक और उससे हाइलाइटिंग इफेक्ट देने के लिए ऊपर से भी हल्का सा हाइलाइट कर रहे हैं। ये तो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का दिस ट्रू मैच कॉम्पैक्ट पाउडर। बट हम पाउडर सिर्फ और सिर्फ उस एरिया पे लगाएंगे जहाँ हमें ज़्यादा स्वेट प्रोड्यूस होता है। तो आप अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप ऑल ओवर योर फेस भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं सिर्फ उस जगह यूज़ करूँगी जहाँ मुझे ज़्यादा स्वेट प्रोड्यूस होता है। सिंपल मैंने इसी ब्यूटी ब्लेंडर के ऑपोजिट साइड से मैंने सिर्फ थोड़ा सा लिया है और अपने टी जोन एरिया को मैं अच्छे से कॉम्पैक्ट कर लूँगी। गाइज ये अब हमारा बेस हो गया, अब हम अपनी आईब्रोज पे आएंगे। तो फिर मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ दिस मिस क्लेयर का आईब्रो पेंसिल, और बहुत ही अफोर्डेबल आईब्रो पेंसिल है। विद इन 100 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगी। तो बिगनर फ्रेंडली है, अगर आप बिगनर्स हैं, आप आईब्रोज बहुत ज़्यादा नहीं क्रिएट करते हैं तो आप ये वाली पेंसिल ले सकते हैं। हाईली रिकमेंड कि अगर आप न्यूली वेड हैं तो आपको अपनी आईब्रोज को अच्छे से डिफाइन कर लेना चाहिए, जिससे कि आपका फेस ऑटोमेटिकली बहुत ही डिफाइंड दिखेगा। मैंने अपनी पेंसिल को ऐसे पकड़ा हुआ है, इस तरीके से नहीं पकड़ा हुआ, बिकॉज ऐसे पकड़ने से प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा लगने लगता है और आपकी आईब्रोज बहुत ज़्यादा भरी भरी लगने लगती हैं। तो मैंने पेंसिल ऐसे पकड़ा है, अब मैं हल्के हल्के से स्ट्रोक्स बनाऊंगी, एकदम लाइट। बहुत ज़्यादा आपको नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने गैप्स सेट करने हैं। और इसमें एक ब्रश भी आपको मिलता है, उससे आप अपने आईब्रोज को अच्छे से सेट कर लीजिए। अगर आप न्यूली वेड हैं तो आप ये वाला मेकअप लुक बहुत ही कम टाइम में क्रिएट कर पाएंगे, इसलिए मैं कम से कम प्रोडक्ट, कम से कम चीज़ें लेके आपको एक अच्छा ग्लोइंग मेकअप लुक बता रही हूँ। तो इस मेकअप लुक में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ रिकमेंड करूँगी कि आप एक अच्छे ब्रॉन्जिंग पैलेट में, कॉन्टोरिंग और ब्रॉन्जिंग पैलेट में इन्वेस्ट करें अपने ब्राइडल किट में, जिससे कि आप अपना आई लुक भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप एक अफोर्डेबल आई पैलेट ढूंढ रहे हैं, आई शेडो पैलेट, तो आप वेट एंड वाइल्ड का आई पैलेट ले सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल है, अंडर 500 में आ जाता है। मैंने अपनी शादी के टाइम पे वही वाला पैलेट लिया था, तो आप चाहें तो उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, इट इज़ वेरी गुड। अब मैं इसी ब्रॉन्जिंग पैलेट में से ये वाला जो सेकेंड शेड है, लाइट ब्राउन शेड, मैं इसको लूँगी अपने एक फ्लफ़ी ब्रश में। ये ब्रश मैंने लोकल मार्केट से लिया था। आप एक ऐसा फ्लफ़ी ब्रश और एक फेस ब्रश ज़रूर ले लें, इसके साथ साथ आपको ब्यूटी ब्लेंडर भी ज़रूर लेना है। तीन चीज़ें आप रख लें और आपका मेकअप कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपको आपके आई मेकअप लुक के कुछ ट्रिक्स बताऊंगी। सबसे पहले आपको इस ब्रश को ऐसे पकड़ना है, लाइक जैसे आप पेंसिल पकड़ रहे हैं, बट आप पेंसिल यहाँ से पकड़ते हैं, आपको ब्रश थोड़े पीछे से पकड़ना है और हल्के हल्के हाथों से आपको आपका बेस क्रिएट करना है। अपनी आईज हाफ ओपन रखेगा, जिससे कि प्रोडक्ट जो है वो ऊपर की तरफ नहीं जाता है, आईब्रो की तरफ नहीं जाता और सिर्फ आपके क्रीज एरिया पे रहता है। देखा आपने, दोनों आईज में थोड़ा डिफरेंस है। तो आपके अपने स्किन टोन से एक शेड डार्क लेना है, आपके पास अगर आई पैलेट है उसमें भी आप एक शेड डार्क लें। अब मैं उससे एक शेड और डार्क लूंगी, लाइक मैं ये वाला शेड लूंगी, हल्का ब्राउन, डार्क ब्राउन शेड, और मैं इसको अपने आउटर कॉर्नर्स पे बिल्ड करना स्टार्ट कर दूंगी। अब मैं इसके ऊपर एक गोल्डन शेड का आई शेडो लूंगी, एकदम हल्का सा। एक्सेस मैंने डस्ट ऑफ कर लिया, अब मैं इसे अपने इनर क्रीज एरिया पे बिल्ड करना स्टार्ट करूंगी, जस्ट एक ब्राइडल इफेक्ट देने के लिए। बिकॉज ब्राइडल्स की आईज अगर थोड़ी गोल्डनिश हो और थोड़ी सी ग्लिटरी हो तो सुंदर लगती है देखने में। इस आई शेडो में हल्का सा ग्लिटर भी है। अब मैं अच्छे से अपने पूरे के पूरे प्रोडक्ट को ब्लेंड कर लूंगी, जिससे बिल्कुल भी हार्श एजेस ना दिखे। तो ये हमारा आई शेडो लुक क्रिएट हो गया है। अब आप देखिए कितना सटल लग रहा है, ये आपके मैक्सिमम आउटफिट के साथ भी चल जाएगा, आपको बिल्कुल भी
परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप कौन सी साड़ी वेयर कर रहे हैं या कौन सा आउटफिट वेयर कर रहे हैं जिसके साथ आपको कैसा आई शेडो या इफेक्ट चाहिए। तो ये आपके मैक्सिमम केसेस में चल जाएगा। ऑल्सो इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने ब्रॉन्जिंग पैलेट यूज़ किया है जिसको हम अगेन अपने कॉन्टेयरिंग और ब्रॉन्जिंग में यूज़ करेंगे। इसमें हाइलाइटर भी है। अगर आप ये गोल्डन अलग से शेड खरीदना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, अगर आप नहीं खरीदना चाहते तो आप इसी का ये हाइलाइटर वाला कलर भी यूज़ कर सकते हैं अपने इनर क्रीज एरिया पे। अब हम अपना आईलाइनर लगाएंगे, तो मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट का आईलाइनर, बहुत अच्छा आईलाइनर है। अगर आप अपने ब्राइडल किट में एक अच्छा आईलाइनर, अफोर्डेबल आईलाइनर चाहते हैं तो आप ये वाला ऐड अप कर सकते हैं। मैंने ऑफ कैमरा जाके ये आईलाइनर लगा लिया है और इसे थोड़ा सूखने दीजिए। इसके बाद हम आएंगे अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे, विच इज मस्कारा। मस्कारा के पहले आपको यूज करना है एक आईलैशेस कर्लर, तो ये वेगा का आईलैश कर्लर है। सो अब हम इस आईलैश कर्लर से अपने लैशेस को कर्ल कर लेंगे। मैं आपको एक टिप दूंगी कि जब भी आप अपने लैशेस को कर्ल करें तो फर्स्ट टाइम तो आप पूरा का पूरा लैश लेके इसे अच्छे से अपवर्ड डायरेक्शन में कर्ल करें, और नेक्स्ट स्टेप में आप अपने हाफ लैशेस को लें और इसको हाफ लैशेस को आप कर्ल करें। इससे आपके जो लैशेस हैं वो एकदम अलग अलग दिखने लगती हैं। नेक्स्ट स्टेप पे जहाँ पे हमें मस्कारा यूज़ करना है, तो मैं यहाँ एसेंस का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। आपको अपने ब्रश को ऐसे लेना है और इसको जस्ट इस डायरेक्शन में आगे की तरफ ले आना है। अभी हमारा आई शेडो लुक कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें लेना है सेम ब्रॉन्जिंग पैलेट और इसमें से हम वही दोनों शेड यूज करेंगे जो हमने अपने अपर आई शेडो में यूज किया है। और मैं दोनों को हल्का हल्का ले लूंगी इस फ्लैट ब्रश में। तो ये एक देखिए कैसा फ्लैट ब्रश है और इसमें मैंने कलर ले लिया है। अब मैं अपने लोअर वाटर लाइन पे ये ब्लेंड करना स्टार्ट करूंगी। इससे आपको एक स्मोकी आई लुक क्रिएट होता है और इससे आपकी आईज भी थोड़ी बड़ी दिखती हैं। इसी पैलेट में से मैं ये हाइलाइटर लूंगी और इसी ब्रश को मैंने हल्का सा क्लीन कर लिया है और इसमें मैं यूज करूंगी ये हाइलाइटर। हल्का सा मैंने ये हाइलाइटर लिया है और इससे मैं अपने इनर कॉर्नर्स पे लगाऊंगी। ये देखिए, तो ये हो गया हमारा आई लुक कंप्लीट। अब हम आएंगे अपने फेस को कॉन्ट्योर करने के प्रोसेस पे। तो हम सेम ब्रॉन्जिंग कॉन्ट्योरिंग पैलेट यूज करेंगे, दिस इज फ्रॉम मेबलिन, और इसका मैं सेम ये डार्क ब्राउन शेड लूंगी और अपने ब्रश में सेम मैं एक ही ब्रश यूज करूंगी पूरे फेस पे। और मैं अपने ब्रश को ऐसे पकड़ लूंगी और इससे मैं अपने फेस को कॉन्ट्योर करूंगी। अपने नोज को भी कॉन्टोर कर रही हूं एकदम लाइट। ब्राइडल लुक में आपको एक पिंक ब्लश की बहुत जरूरत होती है, तो मैं यहाँ पे आपको ये मेबलिन का ड्रीम ब्लश रिकमेंड करूंगी। ये मेरे पास मेरे शादी के टाइम से रखा हुआ है और ये क्रीम ब्लश है जो बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। हम डूई लुक क्रिएट कर रहे हैं, हम बहुत ही ग्लोइंग लुक क्रिएट कर रहे हैं ब्राइडल्स के लिए। तो क्रीम ब्लश अगर आप यूज़ करेंगे तो उससे आपका लुक और एनहांस होगा। तो हल्का सा मैंने अपने फिंगर टिप पे ले लिया है और मैं इसे अपने सेम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी। अगर आप चाहें तो आप इसके ऊपर हाइलाइटिंग यूज़ कर सकते हैं, हाइलाइटर लगा सकते हैं, बट मैंने अपने बेस में हाइलाइटर यूज़ किया था तो मैं इसके ऊपर हाइलाइटर नहीं यूज़ करूँगी। सिर्फ और सिर्फ मैं थोड़ा सा हाइलाइटर अपने ब्राउ बोन और अपने नोज़ एरिया को हाइलाइट करने के लिए यूज़ करूँगी। तो मैंने सेम हाइलाइटिंग पैलेट यूज़ किया है, इसमें मैं अपनी रिंग फिंगर में थोड़ा सा हाइलाइटर लेकर अपने ब्राउ बोन को हाइलाइट करूँगी। अगर आप अपने बेस में हाइलाइटर यूज़ करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक सेट एरिया में हाइलाइटर नहीं मिलेगा। लाइक आपको बार बार ऐसे ऐसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका ऑल ओवर फेस ग्लो करेगा और बहुत नेचुरल लुक देगा। तो अगर आप न्यूली मैरिड गर्ल हैं तो आप ये लुक ट्राई कर सकते हैं।
सो ये हमारा मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब मैं अपने मेकअप को सेट करूंगी, उसके बाद मैं लिपस्टिक वेयर करूंगी। तो लिपस्टिक मैं अपना आउटफिट वेयर करने के बाद लगाऊंगी। सो वेट फॉर अ मोमेंट, मैं जस्ट आउटफिट पहन के आती हूँ। दिस इज द फाइनल लुक। आई हैव वोर अ साड़ी और मैंने बिंदी लगा लिया, लिपस्टिक लगा लिया, इयर रिंग्स पहन लिए हैं। अब अभी हमारा लुक कंप्लीट नहीं हुआ है बिकॉज हमें अभी अपने हेयर को अच्छे से सेट करना है। दिस इज माई फाइनल लुक। मैंने साड़ी वेयर कर लिया है, मैंने ये वाला बेसिक सा हेयर स्टाइल वेयर किया हुआ है। इसमें मैंने अपने आगे के बालों को ट्विस्ट कर लिया और पीछे मैंने बन बना लिया है। मैं मैक्सिमम टाइम अपने इंडियन आउटफिट्स के साथ यही वाला लुक क्रिएट करती हूँ। बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही ईजी टू क्रिएट होता है, येट बहुत ही एलिगेंट लगता है देखने में। मैंने बिंदी वेयर किया हुआ है, उसके साथ मैंने सिंदूर वेयर किया हुआ है। तो मैं यूज़ करती हूँ दिस कलर बार का सिंदूर। अगर आपकी नई नई शादी हुई है या आपकी शादी होने वाली है तो आप ये वाला सिंदूर अपने ब्राइडल किट में ऐड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा कलर आता है इसका। लिपस्टिक जो मैंने वेयर किया हुआ है, मैंने मेबलिन का लिपस्टिक वेयर किया हुआ है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो विद दिस इट्स अ रैप। आई होप ये वाला वीडियो आपको जरूर पसंद आया हो, आप ये वाला लुक जरूर क्रिएट करिएगा। अगर आपको पिंक साड़ी के ऊपर भी मेकअप ट्यूटोरियल देखना है तो प्लीज मेरे चैनल पर विजिट करिएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो अपडेट करने वाली हूँ। सो विद दिस इट्स अ रैप। आई होप ये वाला वीडियो आपको जरूर पसंद आया हो, पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्टिल देन बाय बाय।